हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्लस वन क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेक्चर नंबर 14। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। आज हमारा हेडिंग होगा भाई, हम ऑर्बिटल को कैसे फिल करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं उसके अंदर। हम सबसे मेन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। और ये बिल्कुल क्या है, इस यूनिट का और पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ है, ये समझ लो। ये क्या है, पूरा का पूरा निष्कर्ष स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा हेडिंग होगा आज का फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। यानी कि ऑर्बिटल को हम कैसे, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फील करते हैं, ये हमारा आज का मेन हेडिंग होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने देखना भाई, इससे पहले हमने क्या एनर्जी लेवल निकालना सीखना है। एनर्जी क्या है, एनर्जी किस किस ऑर्बिटल की कम है, किसकी ज्यादा है, ये एनर्जी लेवल निकालने के लिए क्या है, एनर्जी लेवल के लिए क्या है, एक थ्योरी आई थी भाई, बोहर ब्री रूल। बोहर ब्रिज रूल। ये क्या था भाई, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, हम किसकी एनर्जी निकालते थे, किस ऑर्बिटल की कम है, किसकी ज्यादा है। और ये क्या था, n प्लस एल, बहुत ही इजी रूल था, n प्लस एल। ठीक है, ये l है भाई, चलो ऐसे ले देता हूं। ठीक है, n प्लस एल रूल, यानी कि आपने निकालनी है 4s एंड 3d ऑर्बिटल के बीच में किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है। तो यहां पर देखो n की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 4, और L की वैल्यू क्या होगी, 0, राइट। यहां पर क्या होगी, N की वैल्यू क्या होगी, 3, और L की वैल्यू क्या होगी, आपने देखो पढ़ा है L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, S, P, D, F, ऐसे था ना, ऐसे बताया था मैंने। तो यहां पर क्या है, B की वैल्यू क्या हो जाएगी L के लिए, 2, ये 2 हो गया, राइट। तो यहां पर n प्लस l करोगे तो यहां पर कितनी हो गई, 4, और यहां पर कितना हो गया, 5। यानी कि 4s की एनर्जी कम है किसकी कंपैरिजन में, 3d की कंपैरिजन में, 4s हैज लेस एनर्जी देन 3d, ये बात ध्यान दो भाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर ब्री रूल, बोहर ब्री रूल के अकॉर्डिंग हमने निकाल ली है, 4s की वैल्यू कम है, एनर्जी कम है किसकी कंपेरिजन में, 3D के कंपैरिजन में। ये आपने सीखना है भाई, यहां से आपने ये हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे भाई, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, ये n प्लस l करके वैल्यू सेम आ जाए, तो फिर आप कैसे क्या निकालोगे, फिर हम किसको किसकी वैल्यू हम लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3p and 3s, हाँ यस, 2p and 3s। ठीक है, इन दोनों की निकालेंगे। अब 2p के लिए देखो, ये 2p है, इसके लिए देखो n की वैल्यू क्या होगी, 2, p के लिए वैल्यू क्या होगी, p की l की वैल्यू क्या होगी, 1, p के लिए l की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया, 3। अब यहां देखो n की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 0, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब दोनों की ही सेम आ गई। फिर आपने इस केस में देखना है एन की वैल्यू कौन सी कम है। ठीक है, एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मेन सेल। तो यहां पर जिसमें एन की वैल्यू क्या है, इस ऐसे केस में आपने क्या है, एन की वैल्यू देख लेनी भाई। ठीक है, जिस एन की वैल्यू कम है उसी उसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसी की एनर्जी कम होगी भाई।
तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है 2 और इसमें n की वैल्यू क्या है 3, तो इसलिए क्या है 2p की एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू 3s, एज कम्पेयर टू 3s। इस तरह से एनर्जी निकाल देते हैं हम किससे, बोर ब्री रूल से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर इसकी इसकी एनर्जी कम है 4s की, ठीक है, एज कम्पेयर टू 3d, एज कम्पेयर टू 3d। ये 3d है वैसे, ये तीसरी सेल है, ये फोर्थ सेल है, फिर भी क्या है एनर्जी इसकी कम है एज कम्पेयर टू, सॉरी इसकी कम है एज कम्पेयर टू 3d, राइट। तो इन्हीं को कुछ बातों को बेस मान के कुछ तीन प्रिंसिपल आए भाई, तीन साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या है कुछ रूल दिए, और तीनों रूल क्या है आपने फॉलो करने हैं यानी के ऑर्बिटल फिल करते टाइम। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से रूल है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आए अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया और वो क्या है देखो, सबसे पहले है स्टूडेंट्स अबाउ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ठीक है। इसने क्या कहा था, इसने मोटे तौर पे ये कहा था भाई, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है मैं लिख देता हूं भाई, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल वन बाय वन इन इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल स्टार्टेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, यानी कि ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट होकर जैसे जैसे ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, राइट। जैसे सबसे पहले क्या है, ये न्यूक्लियस है, उसके साथ कौन सा आएगा 1s आएगा, फिर क्या सेकंड में 2s आएगा, ठीक है, फिर कौन सा आएगा 2p आएगा। तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्या है, सबसे पहले सबसे छोटा ग्राउंड स्टेट से, फिर ये, इस तरह से इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी लेवल में क्या है इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यहाँ पर इसने एक बहुत अच्छा रूल दिया हमें ये निकालने के लिए भी किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है इसकी ज्यादा है। चलिए मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ वो निकालने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूरी की पूरी क्या है इस पूरी यूनिट का एक ये समझो कंक्लूजन है पूरा का पूरा। तो इसमें आपने ऐसे बना लेना, इसको नोट करो पहले, मैं साइज रब कर दूँ इसको, हाँ इसको नोट कर लो, हो गई ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ डेफिनेशन को, देखो हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे 1s, ठीक है, फिर यहां लिखेंगे 2s 2p, राइट। उसके बाद आपने लिखना है 3s 3p 3d 3d, राइट। उसके बाद आपने लिखना है 4s 4p 4d 4f, राइट। उसके बाद आपने लिखना है 5s 5p 5d 5f 5f, राइट ठीक है। आगे जी नहीं लिखना आपने क्योंकि एफ तक सारी स्टोरी फिनिश हो जाती है, सारे सिमट जाते हैं। फिर 6s, ठीक है, 6p 6d 6f, ठीक है। फिर आपने लिखना 7s 7p 7d और 7f, ठीक है, आप लिख लेना, अदरवाइज क्या नहीं भी लिखोगे तब तक भी यहाँ तक हमारी स्टोरी फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ से देखो आपने ऐसे बना देना, एक ऐसे एरो बना देना में, इस तरफ ऊपर की तरफ है, ये देखो फ्रेंड्स इस तरफ ऊपर की तरफ है, उल्टा भी लिख देते हैं बट मैं ऐसे बनाता हूँ, आप ऐसे ही कर लो ठीक है। फिर इस पहले वाले को काट देना ऐसे,
फिर क्या है, सेकंड एस को भी काट देना है इसे, राइट। ठीक है, ये दो को काट दो, फर्स्ट और सेकंड को। उसके बाद क्या है, ऐसे काटने, टू थ्री, देखो टू थ्री ऐसे, राइट। उसके बाद थ्री फोर, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद थ्री फोर फाइव ऐसे। उसके बाद क्या है, ये फोर फाइव सिक्स ऐसे, राइट। उसके बाद क्या है, फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे, राइट। उसके बाद क्या है, ऐसे, ठीक है। यहां तक कर लो, बहुत हो जाएंगे, यहां तक करना अपने बहुत हो जाएंगे। पहले एस को काट देना, फिर टू एस को, फिर टू थ्री, ठीक है, थ्री फोर, थ्री फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स सेवन, फाइव सिक्स सेवन ऐसे। आप इसको इस तरह से आप कर सकते हो, अदरवाइज क्या है, इसको भी रहने देना, यहां तक कर लोगे वो बहुत है। ये क्या था, सेवन पी, ये क्या है, सिक्स डी, और ये क्या है, फाइव एफ, फाइव एफ, ठीक है। अदरवाइज फिर यही आएगी सीरीज, इसमें आपने कोई दिक्कत भी नहीं है, आए भी यही की, फिर आपने अगर आपने फिर करना है तो फिर यही कर देना, ठीक है, एक ही बार में। तो उसके बाद स्टूडेंट्स देखो, आपने सीरीज किस तरह से लिखनी है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये लिखेंगे भाई 1s, ठीक है। इसकी एनर्जी सबसे कम है, ग्राउंड स्टेट से चलेंगे हम, इसकी एनर्जी सबसे कम है। उससे ऊपर देखो, यहाँ से उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट हो जाना, ठीक है। जैसे ये एरो यहाँ आ गया, उसके बाद आपने फिर क्या, यहाँ से स्टार्ट हो जाना, ये यहाँ आ गया, उसके बाद क्या है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाना नीचे से। तो देखो ये आ गया, इसके बाद फिर नीचे से देखते आएंगे, फिर क्या है, 2s, राइट। उसके बाद क्या, फिर नीचे से देखते आएंगे, फिर कौन सा आ गया, 2p, फिर ये आ गया, ठीक है, कौन सा, 3s, फिनिश। उसके बाद यहाँ से फिर क्या आ गया, 3p, राइट। देखो उसके बाद कौन सा आ गया, जस्ट 3p के बाद क्या आ गया, 4s, 4s के बाद कौन सा आ रहा है, 3d। यही गलती करते हैं, ये ध्यान देना भाई स्टूडेंट्स, आप ये मत रखना कि पहली सेल सब सेल में एक ही सब सेल, दूसरी में दो ही सब सेल, तीसरी में तीन कर दोगे आप, यहाँ 3d कर दोगे, नहीं, आपने ध्यान रखना 3d से पहले 4s आएगा, ठीक है, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू 3d। मैंने बोरबरी रूल में भी अभी आपको बताया था, ये आपने ध्यान रखना भाई। देखो 4s, ठीक है, 3d, इसमें देखेंगे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, s की वैल्यू क्या होगी, 0, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 3, d की वैल्यू क्या होगी, 2, ठीक है, तो s p d, हाँ यस, तो यहाँ पर क्या होगा, 4, यहाँ पर क्या होगा, 5, यानी कि इसकी एनर्जी कम होगी उसकी कंपैरिजन में, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अदरवाइज आपने ये सीरीज याद रखनी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ आप गलती कर देते, यहाँ आर्गन की हो जाती है, यहाँ तक फिनिश 18, उसके बाद क्या है आगे, फिर इसमें आप गड़बड़ करते हो, ये याद रखना। देखो मैं कह रहा हूँ 3p के बाद जस्ट 4s आ गया, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3d, फिर क्या ग्रेटर देन, इसकी ज्यादा है 3d, उसके बाद क्या 3d के बाद क्या आएगा 4p, 4p, फिर क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा 5s, ठीक है, 5s के बाद क्या आएगा 4d, उसके बाद क्या आएगा 5p, ठीक है, फिर क्या आएगा 6s, ठीक है, फिर क्या आएगा 4f, फिर क्या आएगा 5d, फिर 6b, 7s, यानी कि फिर 5f, फिर क्या 6d, 7f, इस तरह से आपने सीरीज बना लेनी है, यानी कि आपकी ये आ जाएगी भाई 1s, और ये और साथ साथ याद रखो, ये हमारा फॉर्मूला देखो ऐसे बन गया, मैं यहां लिखता हूं 1s, ठीक है, एस में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके ऊपर टू लिख दो, वन एस स्क्वेयर नहीं कहना आपने, दो कहना, 1s2, टू का मीनिंग दो इलेक्ट्रॉन, स्क्वेयर नहीं है भाई, आप स्क्वेयर मत करना। उसके बाद क्या है, देखो 1s2 कोमा लगा दो, 2s2 ये वाला, ठीक है, ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है हमारा। उसके बाद क्या आएगा 2p6, क्यों, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं, क्यों मत समझना, क्योंकि पी सेल के अंदर क्या है, तीन सब सेल, यानी कि
पी सब सेल के अंदर क्या होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन, आपको बता, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इससे पहले वाले में करके आए हो, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो तीनों में कितने हो जाएंगे, सिक्स इलेक्ट्रॉन। ये हम इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं यहाँ पर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल, ये सब सेल और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सेल सब सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आ गया देखो थ्री टू पी, सॉरी टू पी यहाँ तक आ गया, उसके बाद आप लिखोगे थ्री एस टू, देखो ये आ गया थ्री एस टू, फिर आप लिखोगे थ्री पी सिक्स, फिर उससे पहले क्या है फोर एस टू, ठीक है, फोर एस टू, थ्री डी से पहले क्या आएगा फोर एस टू, फिर आप लिखोगे थ्री डी टेन, क्योंकि डी में पांच होते हैं, आपको पता है डी में पांच ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो पांच में दस होंगे। उसके बाद क्या आएगा, देखो थ्री डी टेन, फिर क्या है फोर पी सिक्स, देखो फोर एस आ गया, बीच में थ्री डी आ गई, इसी के ऊपर बेस्ड है भाई पीरियोडिक टेबल, नेक्स्ट पूरी की पूरी यूनिट इसी के ऊपर बेस्ड है, आपने याद रखना इसी के ऊपर बेस्ड है। देखो पहले एस होता है, फिर क्या है टू एस होता है, यानी कि एस यहाँ रखते हैं, फिर क्या है टू एस, फिर क्या है टू पी, ठीक है टू एस टू पी, ठीक है, फिर थ्री एस थ्री पी, फिर फोर एस, बीच में थ्री डी होती है, फिर फोर पी, ऐसे होता है, ठीक है, फिर क्या आएगा 5s, ठीक है, क्या आएगा 5s, फिर क्या आएगा 4d, s के साथ 2 लगाओगे, d के साथ 10 लगाओगे, ठीक है 4d, फिर क्या आएगा 5p, यानी कि s और p वही आएंगे जोन सी सेल हमारी चली हुई है। जो पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो उसमें आप ध्यान से देखना, अगर यहाँ 4s है तो बीच में 3d और वहां पर 4p, अगर यहाँ 5s है और यहाँ बीच में 4d, फिर क्या आएगा 5p, अगर यहाँ 6s है उसके बाद क्या है 6 4f 5d और फिर क्या आएगा 6p, यानी कि s और p का p 6 ही होगा, और s और p को क्या कहा गया है रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक कहा गया, क्योंकि वो मेन सेल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये नेक्स्ट यूनिट के अंदर भी आपको समझाएंगे, वहां भी आपने याद रखना, यानी कि यही मेन सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल जब आप देखोगे तो आपने ये देखना, इसी के ऊपर पीरियोडिक टेबल बनी है हमारी, राइट। अब क्या आ गया 5p आ गया, ठीक है 5p 6 हो गया, p के बाद क्या होगी, p के आप याद रखो p के बाद नई सेल स्टार्ट होगी, फिर क्या आएगा 6s2, ठीक है, देखो कहाँ है 5p, 5p के बाद 6s2, ठीक है, फिर क्या आएगा 4f14, ठीक है f में सात होते हैं 14, उसके बाद क्या आएगा 5d10 और फिर क्या आएगा 6p6, यानी कि s और p सेम आएंगे, 6 ही होगा इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये f दो पीछे वाला और d एक पीछे वाला आएगा, ठीक है। अब ये आ गया 6p आ गया, उसके बाद क्या है 7s, नई सेल स्टार्ट हो जाएगी 7s2, उसके बाद क्या है दो छोड़कर 5f14, उसके बाद क्या 1 छोड़कर 6d10 और उसके बाद क्या 7p6, इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी, आपने ये याद रखना भाई, ठीक है आपने ये याद रखने, ये सीरीज नोट करो, यानी कि इसकी एनर्जी कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, और ये बनाना सीख लो, इससे आप ये निकालना सीख लो, नोट करो जल्दी पोज करके, फिर मैं रब कर रहा हूँ, यस हो गया। नेक्स्ट चलो भाई, एक रूल ये है, फर्स्ट प्रिंसिपल ये अबाव प्रिंसिपल, इसने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू इंक्रीजिंग लेवल, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से लेकर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इनको भरेंगे। नेक्स्ट क्या है, पॉली एक्सक्लूजन, पॉली एक्सक्लूजन है भाई, एक्सक्लूजन कहते हैं, एक्सक्लूजन रूल दिया है इसने, मेन रूल क्या कहा है पहले ही समझ लो, मेन रूल ये कहा है क्या, एक ऑर्बिटल के अंदर, जो एक ऑर्बिटल है मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, ये क्या बता रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर बता रहा है, एम एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पिन होनी चाहिए, एक की कितनी होनी चाहिए प्लस हाफ और सेकेंड की क्या है माइनस हाफ होनी चाहिए, ये बात बताता है।
ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटिंग अकोमोडेट पा जाना भी विस्थापित होगा भी, ठीक है, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन, विद अपोजिट स्पिन, विद अपोजिट स्पिन, यानी कि एक ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और उसमें भी क्या है, यानी कि दोनों की अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। क्यों? इसने ये कहा भाई, क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते भाई, ठीक है, एनी इलेक्ट्रॉन, एनी इलेक्ट्रॉन नहीं कहोगे, नो इलेक्ट्रॉन कहोगे भाई, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नो एनी इलेक्ट्रॉन हैज सेम ग्रुप ऑफ क्वांटम नंबर्स भाई, सेम ग्रुप नहीं भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम ग्रुप ऑफ क्वांटम नंबर नहीं रख सकता, उसमें क्या है, m की वैल्यू यहाँ की चेंज हो जाएगी, सभी इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग ही क्वांटम नंबर्स होंगे, इसने ये बात कही है। और उसके बाद इसने एक बात और बताई थी, क्या मैक्सिमम सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक सेल में कितने आ सकते भाई, ठीक है, ए सेल हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किस फॉर्मूले से दिए थे इसने, 2n स्क्वायर वाला रूल दिया था हमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल, और क्या था, 2n स्क्वायर, ठीक है, ये इसी ने दिया था, पॉली एक्सक्लूज ने ये रूल दिया था, इसने ये कहा था भाई, याद रखना इसमें क्या है, कोई भी मेन बात ये क्या है, कोई भी ऑर्बिटल क्या है, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है, और उसमें क्या, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं, और वो भी क्या है, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, मेन बात ये कही थी इसने, पॉली एक्सक्लूजन, राइट, उसके बाद एक्सक्लूजन दिया था इसने, ठीक है, एक्सक्लूजन क्या दिया था, यानी कि सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता भाई, ठीक है, सेम सेट ऑफ ग्रुप मत कहो, सेट कहो भाई, सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है, नो एन इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है भाई, हंस रूल, हंस रूल, हंस रूल, ठीक है, हंस ने क्या कहा है, हंस ने ये कहा भाई, कोई भी सबसेल, ठीक है, किसी भी सबसेल में पेयरिंग जब तक नहीं होगी, कब तक, जब तक उसमें सिंगल सेल ऑक्युपाइड नहीं हो जाएगा, वो भी क्या है, पैरेलल स्पिन के साथ, जैसे मैं बनाता हूँ भाई, जैसे 3D, डी सब सेल है, डी में आपको पता है कितनी होते हैं, पांच ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कह रहा है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ डी, ठीक है, D6 लिख देता हूँ, ठीक है, D6, तो ये ऐसे नहीं होगा, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, ठीक है, ये नहीं, इस तरह से नहीं भरेंगे हम इसको, ठीक है, यानी कि पेयरिंग जब तक नहीं करेंगे, जब तक एक ईच ऑर्बिटल ऑक्युपाई विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ द पैरेलल स्पिन, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, जब चारों सभी ऑर्बिटल में, किसी भी सेल के, सब सेल के सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और वो भी पैरेलल स्पिन के साथ, उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ये क्या है, ये हमारी करेक्ट, यानी कि ये क्या कह रहा है, मोटी बात ये क्या है, पेयरिंग जब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक क्या है, ईच ऑर्बिटल ऑक्युपाई विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, ठीक है, पेयरिंग
पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अकर्स अंटिल द, अंटिल इच लिख लो, अंटिल इच ऑर्बिटल, इच ऑर्बिटल ऑक्यूपाई विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, या फिर फील्ड लिख लेना आप, इस पर कंफ्यूज मत होना, विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, विद पैरेलल स्पिन इन ए सबसेल। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अकर्स अंटिल, जब तक नहीं पाई जाएगी, इच ऑर्बिटल ऑक्यूपाई विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन से नहीं भरा जाता, ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल, विद पैरेलल स्पिन यानी कि पैरेलल स्पिन के साथ, इन ए सबसेल, किसी भी सबसेल में। ये हंस ने कहा भाई, ये हंस रूल आप याद रखना, जैसे 3D में भी क्या है, सॉरी पी ऑर्बिटल होता है, वहाँ पे तीन होते हैं, पी सबसेल में पी एक्स और पी वाई और पी जेड, तीन ऑर्बिटल होते हैं। अगर हमारा ये आ गया भाई पी टू, ठीक है, तो हम एक यहाँ भरेंगे एक यहाँ भरेंगे, इसमें पेयरिंग नहीं करेंगे, जब तक एक एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक हम पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर, राइट। तो ये तीनों ही रूल थे, अब हम देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल करें, इसको नोट करो, ये क्या है, हंस रूल था, राइट। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉन फील्ड कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, चलो नियोन का लेते हैं, ठीक है, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10 जेड, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आप ऐसे नहीं करोगे जो 9th क्लास में करते थे 2 8, ऐसे नहीं करोगे, ऐसे नहीं करनी आपने, ठीक है, इसकी ऐसे करनी, किसके अकॉर्डिंग, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है, एटोमिक नंबर जेड क्या है, इजिकल टू 10, इसका मीनिंग क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही प्रोटॉन है, ठीक है, क्योंकि ये आयंस तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या करोगे, 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, देखो भर गए, इसमें 2 आ गए, इसमें 2 आ गए, इसमें कितने आ गए, 6, यानी कि 2 और 2 4 और 6, यानी कि 10 हो गए। ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये हो गया एक ऑर्बिटल, इसका एक ही होगा, एस का, इसका भी एक होगा, इसके 3 बनेंगे, ठीक है, 1 2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, ठीक है, क्योंकि सब सेल तो कंप्लीट भरनी है। उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर नियोन की जगह क्या है, फ्लोरीन होता, ठीक है, और यहाँ पर 9 होता, तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर 5 आ जाता है, क्योंकि 2 पहली में भरे गए, फिर 4 भरे गए, यानी कि 2 और 2 4 हो गए, फिर क्या, 5 ही तो बच गए, तो फिर 5, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आता, ठीक है। 5 भी कैसे भरने, आपने ध्यान दो स्टूडेंट्स, ऐसे आपने फिलअप कर ले, 1 2 3 4 5, इस तरह से आपने ये भरने हैं, ठीक है। अब किसका केस लेते हैं, सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है, एटॉमिक नंबर जेड इजिकल टू 11, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, देखो 10 तो यहाँ तक हो गए, 3s1, अब 1 बच गया तो 1 ही लिखेंगे यहाँ पर, राइट, 1 है तो 1 ही लिखेंगे। अब मैग्नीशियम लिखते हैं हम यहाँ पर, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, तो यहाँ पर क्या है, ये 12 और ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें आप सब सेल भी बना सकते हो, ऑर्बिटल दिखा सकते हो, ठीक है, ये सब सेल और ये क्या, ऑर्बिटल बन गए, 1 2, ठीक है, इसके अंदर ये हो गए, तो ये आप दिखा दो, 1 2 1 2 1 1 1, ऐसे डबल करो फिर पेयरिंग, सब सेल की बात कर रहे थे हम वहाँ पर हंस रूल में, तो ये इस तरह से आप इसमें फिल कर दोगे, राइट। तो 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं, चलो हम देखते हैं भाई किसका देखते हैं, सेकेंडियम का देखते हैं भाई, सेकेंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, ठीक है, 21, तो इसको कैसे भरेंगे, देखो ऐसे भरेंगे, 1s2,
टू एस टू, टू पी सिक्स लिखते जाएंगे। नेक्स्ट आ गया थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, देखो कितने हो गए, दो और दो चार और छः दस, और दो बारह और छः अठारह, आर्गन जितने हो गए 18। उसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर फोर एस टू थ्री डी, ठीक है। डी में देखो 18 और दो 10, यहाँ पर 1 ही बच गया, डी में 1 बच गया, ठीक है, डी में 1। इस तरह से हम भरेंगे। देखो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक एक सेल कंप्लीट हो जाती है, यहाँ तक फर्स्ट सेल कंप्लीट हो गई, यहाँ पर सेकंड, यहाँ से थर्ड स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ तक हम थर्ड सेल मानेंगे, यहाँ तक, यहाँ से फोर्थ स्टार्ट हो गई, ठीक है। यही रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ नहीं करनी आपने, यहाँ कर ले। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, अगर हीलियम का देखें, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है जेड इज इक्वल टू टू, तो हम लिखेंगे वन एस टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम हीलियम की लिख सकते हैं कॉन्फिगरेशन। यहाँ तक क्या है, नियोन में कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक हम नियोन लिख सकते हैं। यहाँ तक क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, आर्गन की हो जाती है यहाँ तक कंप्लीट। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, ए आर आर्गन, इसको लिखोगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ लिखोगे 18, 18 आ गए, फिर कोमा लगाओ, 3D1, 3D1। ये भी एक मेथड है लिखने का, क्योंकि जहाँ तक कंप्लीट होगी उसका एक एलिमेंट लिख दो, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ही देखने हैं हमने, 3D1, ठीक है। सॉरी, आर्गन के बाद ये तो लिखो ना, 4S2, 3D1, ठीक है। यहाँ भी आप लिखोगे 4S2, 3D1, ठीक है। यानी कि इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, आर्गन तक तो कंप्लीट भर गई, उसके आगे हमने क्या है, ये वैलेंस सेल, वैलेंस का मीनिंग होता है भारी सेल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने दिखानी ही दिखानी है, राइट। यहाँ पर देखो दो एक्सेप्शनल केस लेते हैं अब हम, ये आई है आपको समझ में, ये आई है भाई, देखो अभी बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैं यहाँ कर रहा था नियोन की कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर नियोन की कर रहा था 10, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी नियोन, नियोन के आगे क्या आएगा, सोडियम, तो सोडियम को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 3s1 आएगा, ठीक है। ये एक ऑर्बिटल और हो गया, तो नियोन की हम सोडियम की हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए नियोन लिख दो सीधा, नियोन इसको कैपिटल ब्रैकेट में बंद करो, यहाँ पर क्या लिखो, 10, 10 आ गए ना, फिर आप लिखो 3s1, इस तरह से आप लिख सकते हो। यानी कि जहाँ तक फील्ड कंप्लीट सेल भर जाती है उसको आप यानी कि एटम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना फ्रेंड्स, एक्सेप्शनल कौन सी है, क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। चलो देखते हैं करके, क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम के लिए क्या है स्टूडेंट्स, जेड इज इक्वल टू 24, ठीक है, जेड इज इक्वल टू 24। तो यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ इस तरह से होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, देखो यहाँ तक काउंट करो, दो और दो चार और दो छः दस, दो बारह और छः अठारह, दो बीस, बीस हो गए, तो हमारे यहाँ बचे 4, ठीक है। ये होनी चाहिए थी नॉर्मली, ठीक है, ये होनी चाहिए, बट ऐसे नहीं होगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये होगी स्टूडेंट्स, यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा। इसका रीजन बताता हूँ, समझ आएगा, अभी बता रहा हूँ। पहले एक और देखो, किसकी, कॉपर की, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है भाई जेड इज इक्वल टू 29। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने देखना भाई, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अच्छा, इसको एक एक तरीके से और लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो आप आर्गन, ठीक है, ये लिखो 18, उसके बाद 4s1, 3d5, राइट, ये भी हो सकता है। अब यहाँ आ जाओ 3s2, यस, 3p6, 4s1, 3d10,
एंड होनी क्या चाहिए थी, 4s2, यहाँ पर 9 बच गए तो यहाँ पर 3d9 ये होनी चाहिए थी, बट ऐसे नहीं होती, एक्सेप्शनल केसेस है ये। यहाँ पर क्या आ गई, 3d10, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई, ठीक है। कई बार दे देता है कि उसके अंदर कम्पिटिटिव टेस्ट के अंदर आपने ये क्या, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आर्गन, ये 18, उसके बाद क्या है 4s1 3d10, राइट। इसमें दो रीजन आपने देने हैं भाई, इसमें दो रीजन देने हैं इनके अंदर, इस एक्सेप्शन के अंदर आपने क्या है, दो रीजन स्टूडेंट्स आपने बताने हैं। कौन से दो रीजन होंगे हमारे इसमें, फर्स्ट रीजन है स्टूडेंट्स देखो सिमेट्री, सिमेट्री का हो या फिर क्या स्टेबिलिटी भी आप कह सकते हैं, स्टेबिलिटी। इसमें रीजन लिखना आपने, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। लीड्स टू स्टेबिलिटी, तो ये कह रहा है स्टूडेंट्स, जो जैसे क्रोमियम में हम कर रहे थे, क्रोमियम में क्या होगा आर्गन, ठीक है, ये 18, उसके बाद आपने क्या करना है 4s1 3d5, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है, ये हो गई हाफ फिल्ड सबसेल। अगर हम इसको देखें, इसकी सबसेल बनाए और इसके ऑर्बिटल बनाए, तो 1 2 3 4, यस 1 2 3 4 5, यानी कि हाफ फील्ड, आधी फील्ड हो गई, ये आधी भर गई, ठीक है, एज कम्पेयर टू इससे, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर ये क्या कर लेगी, खींच लेगी, ये इसके विड्रॉ कर लेगी, यहाँ से निकाल लेगी, और उसमें क्या है, उस केस में क्या, कॉपर वाले केस में क्या बन रही है आर्गन, ये क्या है 18, और यहाँ पर क्या है 4s1 3d10, ठीक है, ये क्या हो जाती है फुल्ली फील्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये कह रहा है हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड सबसेल्स आर मोर स्टेबल, यानी कि सिमेट्री अच्छी बन रही है यहाँ पर, और ये क्या स्टेबिलिटी अच्छी होती है, यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पर रीजन लिखना भाई आपने, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड सब सेल्स आर मोर स्टेबल, यानी कि स्टेबिलिटी का रीजन आ गया यहां पर, ये ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू उसके, इसलिए ये क्या है हाफ फील्ड, ये तो हाफ फील्ड हो गई, इसमें देखो हाफ फील्ड हो गई, हाफ फील्ड डी सब सेल, और यहां पर क्या है फुल्ली फील्ड, फुल्ली फील्ड, ठीक है। अब आप ये कह दो ये खाली हो गई सर, यहाँ हाफ रह गई, ये हाफ रह गई, बट वो क्या भाई, वो बड़ी सेल है, ठीक है, वो बड़ी सब सेल है, ठीक है, ये बहुत सिंपल सा लॉ है, है ठीक है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ये बड़ी है तो इसी की सिमेट्री देखी जाएगी, ये बड़ी सेल एज कम्पेयर टू एस सब सेल, एस सब सेल से ये बड़ी, यानी कि इसी की हम क्या सिमेट्री देखते हैं, ये क्या हाफ फील्ड और ये क्या फुल्ली फील्ड, यही रीजन देना भाई, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड सब सेल्स आर मोर स्टेबल देन अनफील्ड सब सेल्स, ठीक है, आपने ये बताना भाई। नेक्स्ट क्या है, इससे सेकेंड रीजन क्या है, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी, यानी कि एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा हो सकती है, ये तो ये रीजन नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, ये तो सेल तो हमने बनानी है, सेकेंड रीजन इसमें क्या दोगे, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। अब देखो अगर इसका पहला केस देखें हम, इसका फर्स्ट केस कौन सा था, आर्गन 18 करेंगे, 4s2 कर देंगे, ठीक है, 3d4 कर देंगे, राइट,
तो यहाँ देखो ये सब सेल ऐसे बनेगी कुछ इस तरह से, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, चार ही है तो चार ये इस तरह से। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है ये हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ जा सकता है, ठीक है, ये इसमें भी जा सकता है, ये एनर्जी लेके इसमें भी जा सकता है, इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, ये किसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ एक्सचेंज हो, ये वाला इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, अब सेकंड आ जाओ, ये वाला ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है और इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, तो इसकी एक्सचेंज कितनी होगी, 1 2 3 3, राइट। इस सेकंड वाले की एक्सचेंज कितनी होगी, 1 2 प्लस 2, और ये बच गया इसकी कौन सी एक्सचेंज हो सकती है, सिर्फ इसके साथ +1, तो कितने एक्सचेंजेस हो गए, 6, राइट। और इस केस में क्या, फुल्ली फील्ड में देखो ये क्या है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता, ये इसके साथ कर सकता, ये इसके साथ भी कर सकता, और ये क्या है इसके साथ भी कर सकता, 1 2 3 4, ठीक है, तो कितने हो गए, 4 एक्सचेंजेस। अब सेकंड वाला किसके साथ कर सकता, इसके साथ, ठीक है, इसके साथ और इसके साथ, यानी कि 1 2 3, किसके साथ, 3 के साथ। अब ये थर्ड वाला किसके साथ कर सकता, इसके साथ और इसके साथ, यानी कि 2 के साथ। और ये फोर्थ वाला किसके साथ कर सकता है, इसके साथ, यानी कि 1 के साथ। तो ये काउंट करना, देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 4, सेकंड इन तीनों के साथ 3, ये इन दोनों के साथ 2, ये इसके साथ 1, तो ये कितनी होगी टोटल, 4 और 3 7 2 9 और 10 हो गए, यानी कि जितनी ज़्यादा एक्सचेंज करेगा उतनी ही ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी और उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये भी एक क्या है इसमें रीजन है। इसी तरह से क्या है इसके केस में भी यही आएगा, अगर इसके सेकंड वाले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होगा स्टूडेंट्स आर्गन 18 4s2 3d9, राइट। तो ये 9 बनाएंगे हम, ये ऐसे बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ, इसके साथ, यानी कि फिर ये वाला इसके साथ, 10 तो ये ऊपर वाले आ गए, और ये भी तो कर सकते नीचे वाले, ये भी कर सकते ये वाले जो ये अपोजिट स्पिन वाले, तो ये भी यहाँ पर भी क्या है 20 हो जाएगी एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कम रह जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये वाला इसके साथ नहीं कर सकता, तो ये भी क्या है आप देख लोगे, ये भी एक रीजन है, इसमें दो रीजन है, यानी कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड आर सिमेट्रिकल एंड सिमेट्री मोर सिमेट्री क्या सिमेट्रिकल सिमेट्रिकली फील्ड सबसे लीड्स टू द स्टेबिलिटी, ये भी कह सकते हो आप, या फिर सीधा कह दो भाई हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड सबसे आर मोर स्टेबल, राइट। उसके बाद क्या एक्सचेंज एनर्जी बता सकते हो, इनमें क्या है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इनमें क्या है ज्यादा एक्सचेंज एक्सचेंज वे हो रहे हैं भाई, ठीक है, एक्सचेंज वे, वे एक्सचेंज वे बोलेंगे भाई, क्या एक्सचेंज वे, ठीक है, रास्ते ज्यादा हैं, ठीक है, आप इसमें क्या कहोगे भाई, वेज ऑफ एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज वेज इसमें ज्यादा, किसमें, हाफ फील्ड में और फुल्ली फील्ड में, ये दो रीजन है इसके। तो स्टूडेंट्स आप क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए इनकी, जहां पर आप देख लेना भाई फुल्ली फील्ड हो रही या फिर हाफ फील्ड हो रही, वो एक इलेक्ट्रॉन इसका इस एस का अपनी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। उसकी नेक्स्ट सीरीज है उसमें भी ऐसे ही होगा, इसको हम 3D सीरीज बोलते हैं, इससे जो नेक्स्ट है उसको हम 4D सीरीज बोलते हैं, वहाँ भी ऐसे ही होगा, और आगे आप हायर क्लासेस में सीख पाओगे। तो स्टूडेंट्स आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है सभी एटम्स की, सभी एलिमेंट्स की आपने करके देखनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से करनी, यहीं से आपको क्या वैलेंसी समझ में आएगी, वैलेंसी समझ में आएगी तो आपको क्या यहीं से बॉन्डिंग समझ में आएगी, कैसे बॉन्ड बनते हैं, और इससे नेक्स्ट से नेक्स्ट यूनिट है वहाँ पर आपको बॉन्डिंग समझाई जाएगी, तो वहाँ पर आपने बॉन्डिंग, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई तो ये समझो पूरी केमिस्ट्री नहीं आएगी, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है सारी की सारी, और भी क्या, और एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो क्वांटम
मॉडल दिया है, मॉडल ऑफ एटम दिया है ये, तो उसके ऊपर सारे के सारे बेस्ड है। क्वांटम नंबर्स आपको आने चाहिए, तीनों प्रिंसिपल्स के रूल आपको, तीनों जो साइंटिस्ट है उनके रूल याद होने चाहिए, अबाव प्रिंसिपल, होली एक्सक्लूजन एंड हंस रूल। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये आपको आने चाहिए, और अबाव में इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल वाला वो भी आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन थे जो दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कम्पिटिटिव में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इनको इसको स्टूडेंट्स इसी के साथ हम क्या आज का लेक्चर फिनिश करते हैं, और इनको लर्न कीजिए, याद कीजिए, और इनकी प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, पढ़ाई कीजिए। और तो आपको पता ही है, ठीक है, चैनल को आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब पहले करवाना करना, शेयर करना, और क्या लाइक भी करना। थैंक यू।